कितनी प्यारी मछली है, लगता है शिकारी पंछी के चंगुल से जान बचाकर गिर पड़ी है। इसे शीघ्र पानी में डालना होगा। भाइयों सब अपने पीने का पानी इस छाल में डाल दीजिए। लगता है जल कम है। दुर्योधन, दुशासन, तुम दोनों भी अपने बोतल का जल छाल में डाल दो। यहाँ दूर दूर तक ना कोई नदी है और ना ही कोई कुआं। हम अपने पीने का पानी इस मछली पर व्यर्थ नहीं कर सकते। दुर्योधन जी, गुरुदेव, सक्षम होते हुए भी संकट में किसी की सहायता ना करना अप्रशंसनीय कार्य है। इस समय तुमसे अधिक इस मछली को जल की आवश्यकता है। पांडवों के निस्वार्थ भाव से तुम्हें सीख लेनी चाहिए। दुर्योधन, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। ये प्रचलित कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। कृपया सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ से धर्मपुर गांव कितनी दूर है? धर्मपुर गांव यहाँ से 2 कोस की दूरी पर पड़ेगा। आप सब कौन हैं? मैंने आपको इस क्षेत्र में पहली बार देखा है। हम द्रोणाचार्य हैं और ये मेरा शिष्य। गुरु द्रोणाचार्य, मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आज रात्रि आप सब यहीं रुककर मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें गुरुदेव। वैसे धर्मपुर गांव जाने का आपका कोई विशेष प्रयोजन? धर्मपुर गांव वालों को डाकू चतुर सिंह से बचाने जा रहे हैं। उसने गांव वालों का जीवन त्रस्त कर रखा है। डाकू चतुर सिंह, वो सच में बड़ा ही निर्दयी, छली, कपटी है। उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, किंतु आगे का मार्ग रात्रि में यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है। प्रातः काल प्रस्थान करना उचित होगा। तुम ठीक कहते हो, हम रात में यहीं विश्राम करेंगे। ये क्या है? हमें किसने बंदी बनाया? क्षमा करें गुरुवर, मैंने अपना पूरा परिचय तो दिया ही नहीं। मैं हूं चतुर सिंह। आप सब अनायास ही मेरे मार्ग का काटा बनने चले आए, इसलिए मुझे आप सबको रात्रि में नींद की औषधि देकर सुलाना पड़ा। मुझे ज्ञात है कि आपके बल का सामना करना मेरे बस में नहीं है, इसीलिए मैंने छल का सहारा लेना उचित समझा। अब मैं आप सबको ऐसा दंड दूंगा कि आज के बाद कोई भी कभी भी चतुर सिंह से टक्कर लेने का विचार तक नहीं करेगा। चतुर सिंह, तुम जैसों के लिए हमारी लात ही काफी है। छोड़ना मत बालकों को। चतुर सिंह सावधान, हम हस्तिनापुर युवराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन हैं। हमें छुआ भी तो हमारे सैनिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
युवराज, तब तो आपके साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले युवराज को नदी में फेंकना। नहीं, 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 हमें विशेष व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। द्रोणाचार्य और उसके शिष्य तो नदी के गर्त में गए, पर अब गांव वालों को सबक सिखाने का समय है। मुझसे चतुर सिंह से युद्ध करने के लिए उन्होंने इन लोगों को बुलाने का दुस्साहस किया कैसे? चलो। सहेलियों, चलो हमें उन्हें डूबने से बचाना होगा। चलो इस जाल को ऊपर ले चले। हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे कहना है, आपने और आपके शिष्यों ने निस्वार्थ भाव से मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आज से हम मित्र हैं। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफल हो। गांव वालों, ये देखो, चतुर सिंह शिला के समान खड़ा है। तुम लोगों ने द्रोणाचार्य और उसके शिष्यों को मुझसे युद्ध करने के लिए भेजा था, किंतु तुम्हारी सेना नदी के गर्त में समा चुकी है। एक बात गांठ बांध लो, चतुर सिंह की चतुराई के आगे किसी की नहीं चलती। आज मैं इस गांव में ऐसा तांडव करूंगा कि तुम लोग जीवन पर्यंत स्मरण रखोगे। साथियों, शुरू हो जाओ। रुक जाओ। तुम लोग बच कैसे गए? चतुर सिंह, तुम जैसे विनाशक का अंत किए बिना हमारा अंत कैसे हो सकता है? आज तुम्हें अपने प्रत्येक कुकृत्य का फल भोगना होगा। द्रोणाचार्य, अपने प्रवचन अपने शिष्यों के लिए बचा कर रखो। साथियों, इनकी कहानी समाप्त कर दो। युद्ध कर रहे हो, कोई मुझसे भी तो युद्ध करो। मिल गया मेरा प्रतिद्वंदी, आ जाओ। रुको, कहां भागे जा रहे हो? गुट का सरदार मैं हूँ, सर्वप्रथम भागने का अधिकार मेरा है। चतुर सिंह, अब बोलो, तुम्हारी चतुराई के आगे किसी की चलती है कि नहीं? चतुराई चलती है, अवश्य चलती है,
परंतु मुझे बस एक बात बता दो, तुम सब नदी से बाहर सुरक्षित कैसे निकले? वो तुम्हारी समझ से परे है, बस इतना समझ लो, नेकी कर दरिया में डाल, नेक कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। ग्रामीणों, ये आपका दोषी है, आप सब इसे दंड देने को स्वतंत्र हैं। हम चलते हैं। Oh, my God.